ब्रेक के बाद एक बार फिर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर लगातार बहस गर्माती जा रही है। यहाँ डागर साहब सबसे पहले आपको सवाल पूछना चाह रहे थे, मलिक जी से कहिए डागर साहब क्या पूछना चाहते हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर। सवाल ये खड़ा हो रहा है, मलिक साहब का ये कहना है कि शुरुआत कर दी गई है, लेकिन वो शुरुआत धरातल पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है, ये सवाल प्रदेश के किसान पूछ रहे हैं। देखिए मैडम, मलिक साहब की बातों का ना बड़ा हंसी आती है इनकी बातें सुन के। बड़े शब्द ऐसे यूज कर रहे हैं कि खैरात शब्द, ये इनको ये नहीं पता किसान भूखा रह के सर्दी में गर्मी में, और जो किसान के दिल पे आज बीती है वो किसान ही जानता है। पहले इनको शब्दों का चयन ठीक करना चाहिए कि हमें बोलना क्या है। आप किसान कोई भीख का कटोरा लेके बीजेपी के सामने नहीं खड़ा है, अपने शब्दों को सुधारिए, आप किसान की बेइज्जती मत करिए। दूसरी, आपने कहा कि किसी केंद्रीय मंत्री पे बंदूक, किसने बंदूक रखी किसान आपके हक के लिए, कोई एनजीओ हो, किसान यूनियन हो, जब कांग्रेस की सरकार थी आप लोग भी गए, आप धनखड़ साहब ने पूरा उसमें जोर शोर से प्रचार किया है, आप लोगों ने भी उसके लिए बड़ी मेहनत की है। दूसरी बात, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात है, आप बार बार कह रहे हैं कि हम हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। मलिक साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हरियाणा का किसान इतना जागरूक है, लैब्स यहाँ पे हैं, बहुत पहले से हैं, और जो जागरूक किसान है वो अपना काम भी करा रहे हैं। अपनी सारी पूरा हेल्थ का डाटा उन लोगों के पास है कि हमारे पानी में आज क्या रिक्वायरमेंट है, सॉइल को क्या चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, क्या और रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जो एक और अलग चीज है स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में एक वावेला मचा हुआ है, सारे किसान आपके खिलाफ हैं, पूरी पार्टियां आपके खिलाफ हैं। स्वामीनाथन भी ये कहता है कि जो उपजाऊ भूमि है उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, और मोदी जी बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं मुझे करना ही करना है। भैया, तानाशाही क्यों चला रहे हो आप? तानाशाही का परमिट नहीं दिया लोगों ने आपको, कि वोट दिए आपको सत्ता कर चलाने के लिए, तानाशाही का परमिट आपको नहीं दिया है। इन शब्दों से बचिए आप कि हम खैरात बांटने जा रहे हैं या बंदूक रख रहे हैं। अगर वाकई आपको स्वामीनाथन की एक मिनट, ये जो सारी चीजें हैं शायद इनको पता नहीं है, क्योंकि ये किसान विरोधी पार्टी है, ना ये किसानों से इनका लेना देना है। ये तो पार्टी आज अंबानी अडानी और उन लोगों की रह गई है, ये छोटे तबके की भी नहीं रहा, आज छोटा व्यापारी भी इनसे दुखी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट केवल एक उत्तर नहीं है। मलिक साहब, में आपको मैंने बीच में नहीं टोका, बड़ा ध्यान से आपको सुना। मैं एंकर की परमिशन से बोल रहा था, अगर आप एंकर आप रेट की बात नहीं है, हेल्थ सारा मार्केटिंग की भी बात है, और किसान की जो जी चुड़ानी साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट जो किसान का है उसको वाजिब दाम मिले, उसको मार्केटिंग की सुविधा भी मिलनी चाहिए, वो आपका ध्यान केवल व्यापारियों। अब मैं जवाब दे दूं? चलिए, किसान विरोधी सरकार आप कह रहे हैं बीजेपी को, जवाब ले लेते हैं मलिक साहब। देखिए, छन्नी तो बोले छाछ क्या बोले, वो व्यक्ति हमारे ऊपर लगा रहे हैं जिन्होंने देश को बेच लिया। जहां तक ये बात करते हैं कि जी मैंने खैरात वर्ड यूज करा, आपने रिकॉर्ड है, जवाब देने देंगे छेद के साथ आपके मंत्री भेज देते हैं आपके ऊपर, मुद्दे महोदय कहते हैं कि 450 रैक हरियाणा में लगते हैं, हमने 600 रैक मंगाए, वो यूरिया कहां गया? मुद्दे से भटकाने का प्रयास मत कीजिए, आप जवाब देते हैं। मलिक साहब कहिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है कि जब फंसती है तो भागती है। हम भाग नहीं रहे, हम मुकाबला कर रहे हैं। डागर साहब, अपने हर बात का जवाब देने के लिए हम बैठे। आप अपने आप को संभालिए, इतना विचलित ना होइए। नहीं, हम विचलित नहीं है। जहां तक इन्होंने बात करी खैरात की, मैंने किस संदर्भ में यूज करा ये सबने सुना है कि जी मैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उसको इतनी पावर देना चाहता हूँ किसान को कि वो अपनी और देश की तकदीर खुद लिखे, इसके लिए मेरे को उसकी बैकबोन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि टेक्नोलॉजी है, जो कि सिस्टम्स हैं, वो इतने बेहतर करने पड़ेंगे कि उसको कभी भी इस तरीके से आगे लाचार ना होना पड़े, क्योंकि 60 साल में मेरे किसान को लाचार करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने करा है। इसमें 5 साल बीजेपी का राज भी रहा है। मैं उस 5 साल को हटा के बोला, आज 67 ईयर्स हो गए, 6 साल रहा है। चलिए, तो मेरा कहना इतना सा है, शुक्ला साहब मुस्कुरा रहे हैं यहाँ।
मलिक जी एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगी। शुक्ला साहब, आपने ये तमाम बातें सुनी है, बैकबोन मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है किसान की, शुरुआत हो चुकी है, धरातल पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? शुक्ला साहब, तमाम बहस आपने सुनी है, टिप्पणियां सुनी है हमारे खास मेहमानों की। मैं देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी यही कह रहा हूं कि वैसे तो चूंकि 10 महीने की सरकार है, इसलिए बहुत बड़ी उम्मीद करना मुझे लगता है गलत होगा। हरियाणा में 5 महीने की सरकार है, उससे भी बहुत बड़ी उम्मीद करना गलत होगा। लेकिन इस दौरान कहा जाता है बच्चे का जो पांव होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं, और अभी पालने में जो उसके पांव हैं वो नजर नहीं आए हैं। तो कमोबेश स्थिति ये है कि जिस तरीके से कह रहे हैं, मुझे याद है पीछे नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते थे तो कहते थे आपने उन्हें 60 साल दिए, हमें 60 वो दे दो, महीने दे दो। अब इसके बाद में स्थिति ये है, अटल बिहारी वाजपेयी यही बात कहते थे। मुझे नहीं समझ में आता कि अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल में वो चीज नहीं चेंज कर सके। मैं अटल जी की सरकार को कहता हूं कि बहुत अच्छी सरकार थी और उसने बड़ा अच्छा प्रोग्रेसिव कदम उठाए, लेकिन जो सुधार की बात करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, जनता ने इस बार कहा कि चलो हम वो भी गलत देते हैं कि हम आपको पूर्ण बहुमत देते हैं, अटल जी को हम पूर्ण बहुमत नहीं दे पाए थे। अब आप पूर्ण बहुमत से हैं, बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना था, आप कह रहे हैं सारी ये कमेटी बना दी है हमने, वो कमेटी बना दी है। तो कमेटियां तो हुजूर तब से बनती चली आ रही जब से किसान मांग करता है, पहले एक कमेटी बनती, दूसरी बनती, फिर आयोग गठित होता है, आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, फिर आयोग की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कमेटियां बनती है, वो बनती है, उन कमेटियों की रिपोर्ट भी आ जाती है, अब आपकी सरकार आ जाती है, आपकी सरकार आपकी सरकार आने के बाद में आपने भी कमेटियां बना दी। तो कमेटियों का जो ये खेल है ना, ये खेलना बंद कीजिए। आप सीधे सीधे एक लाइन में आर्डर होता है कि हम चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करेंगे, आप जो जो कमियां हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप उसको लागू कर दीजिए। आप क्या बात करते हैं, आप बताते हैं कि प्रशासनिक तरीके से कार्य होते हैं और प्रशासनिक तरीके में साफ साफ डिसाइड किया जाता है कि हमने ये डिसाइड कर लिया और ये डिसीजन इतने दिन के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा, और इसको इंप्लीमेंट के लिए फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप। बिल्कुल, चलिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको अपने स्टेप बता देने चाहिए कि इतने दिन के इसमें हम ये कर देंगे, इतने में ये कर देंगे, इतने में आपके आपको मिल जाएगा। तो सीधी जवाब बताते हैं, मैं आपको सिर्फ मलिक साहब का जवाब देता हूँ। ये तो सिर्फ पढ़ाने की बात है, ये सिखाने की बात है कि शुक्ला जी, मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कृपया जाके एक चीज के ऊपर शोध करिएगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में क्या एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है और कैसे आया, एक चीज। दूसरा विषय ये कि हमारी सरकार कभी भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की पॉलिसी पे नहीं चलेगी, बीजेपी की सरकार जो करेगी हम कैंसर को जड़ से निकालेंगे, हम कभी सिर्फ ये नहीं करेंगे कि मरहम पट्टी करके भेज दिया। ये हमारा एक बिल्कुल एक सिद्धांतिक चीज़ है जो हम करते हैं। हमने अपना अटल जी की सरकार में भी देश को दिखाया था कि कैसे देश को प्रगति की राह पे कंटिन्यूस चलाने के लिए कैसे करना चाहिए। आप छोटी सी चीज देखिए कि अगर जो इम्प्लीमेंटेशन हम आज कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो एग्रीकल्चर का, चाहे वो टेक्नोलॉजी इम्पार्टेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन हो, टेक्नोलॉजी की यूज कैसे करना है और टेक्नोलॉजी बांटनी कैसे है, चाहे वो इंश्योरेंस के हो कि मिनिमम इंश्योरेंस कैसे लाई जाए, चाहे वो ये हो कि लागत कैसे रिड्यूस करवाई जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक प्रॉपर सोल्यूशन है। ये एक वो सोल्यूशन नहीं है कि आज मैंने जेब से निकाल के कुछ पकड़ा दिया कि भाई ये लॉलीपॉप है, इसको चूसिए और आराम से बैठिए। ये तरीका सरकार चलाने का नहीं है, ये तरीका
अपनी राजनीति साधने का जरूर हो सकता। यानी आपका कहना है कि बीजेपी राजनीति चमकाने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही है, किसानों के हित में गवर्नेंस जनशाही के लिए कर रहे हैं, राजशाही के लिए नहीं कर रहे। यहाँ प्रदेश का किसान ना सिर्फ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर सवाल उठा रहा है बल्कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर भी नाराजगी है। इसको लेकर भी सवाल पूछ लेते हैं, डागर साहब ने भी सवाल पूछा था। अत्री जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। अत्री जी, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर ही है आपका सवाल, कांग्रेस पार्टी की मुहिम शुरू हुई है उसमें कोई दम आपको दिखाई देता है? देखिए, पहले तो जिस तरह से रमन मलिक अभी भारतीय जनता पार्टी की का किसान प्रेम जो दिखा रहे थे जी, रमन मलिक जी को मैं बता देता हूं कि आज जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि साहब कितने किसानों ने खुदकुशी की, तो उनका जवाब है कि साहब मेरे पास डाटा नहीं है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? अगर केंद्रीय कृषि मंत्री अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसानों के इस डाटा के बारे में या इस बारे में ये बात जवाब देता है तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? दूसरी बात गुरमीत, जैसे आपने लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस की बात की, मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास जी। लेकिन आज जो वो नारा है वो चेंज हो गया है, बड़ा सीधा सा हो गया है, पूंजीपतियों का साथ किसान का विनाश। क्योंकि आप देखेंगे कि किसान की जमीन को हड़पने के लिए जिस तरह से ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर उस ऑर्डिनेंस की फेवर में जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात रेडियो पे की और शहीदों के जो उनको श्रद्धांजलि देने गए थे वहां रैली में, आपने रैली का पूरा भाषण सुना होगा, उस पूरे भाषण में शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे थे, केवल ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर रहे थे कि किसान गुमराह हो रहे हैं, किसानों को अपनी जमीन देनी चाहिए। मतलब किसानों की जमीन अपनी मर्जी से लेने की बात कर रहे हैं, किसानों की जमीन के उनकी कंसेंट खत्म कर दी, उस जमीन को हड़पना चाहते हैं, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। लेकिन जब किसान अपनी फसल के कीमत की बात करता है उसके बारे में ना तो मोदी साहब को मन की बात याद आई, ना ही उन्होंने आगे मन की बात की। तो यहां से समझ में आ रहा है कि किस तरह से किसान विरोधी सरकार है, किस तरह से किसान को खत्म करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और ये इनके पिछले 10 महीने के कार्यकाल को अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा, चाहे वो यूरिया की बात हो, चाहे वो लैंड ऑर्डिनेंस की बात हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो। बिल्कुल, चलिए मलिक साहब से जवाब ले लेते हैं। अत्री जी कहिए। मलिक अत्री जी, 2003 का और 4 का फिगर याद है आपको, हरियाणा की सुसाइड रेट का? हमारे आपकी आईएनएलडी और हमारी मलिक साहब, आपको 2003 और 4 की हरियाणा की सुसाइड रेट का फिगर मैं बता देता हूं। बताइए आपकी जानकारी के लिए, 2003 और 4 में किसान ने अपनी फसल का दाम ना मिलने से या अपनी फसल के नुकसान की वजह से कभी सुसाइड नहीं किया। और एक और आपकी जानकारी बता दूं, किसान की फसल अगर खराब हो जाती है उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। ये चौधरी देवीलाल ने देश में पहली बार शुरू किया था 1978 के। मैंने आपसे सीधा सवाल करा है, आप उसको गोल मत क्योंकि मेरे को पता था कि इन्होंने यही करना है। क्योंकि हमारी बारी, आप ये बोलते हैं आप लोग ये होगा, कृषि मंत्री को पता नहीं है और अपनी बारी उसके, आपका केवल यही काम है, आप उसके पोस्टमार्टम में लग जाते हैं क्यों हुआ कैसे हुआ। बिल का मुद्दा हम उठा रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली करने वाली है, बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। आपको लगता है कि यहाँ पर भी राजनीति चमकाने का काम हो रहा है? मलिक साहब, चढ़ूनी साहब की प्रतिक्रिया लेते हैं। भूमि अधिग्रहण पे एक और गंभीर बात बता देता हूं। जी जी कहिए। अभी कल हमने मीटिंग की थी अंबाला में, अंबाला से लेके कैथल तक 1 करोड़ निकलना है, चौड़ा करना है उसको, उसकी जमीन साइड से अधिग्रहण की जा रही है। उनको जो मुआवजा मिल रहा है अब, वहां जहां पे 50 लाख रुपए डीसी रेट है आज के टाइम में, 80 लाख रुपए डीसी रेट है आज के टाइम में, उनको केवल 50 लाख रुपए मिल रहा है। और जबकि कानून में है कि उनको 4 गुना मिलेगा, 2 गुना मिलेगा, 4 गुना 2 गुना तो गया भाड़ में। जो आज का डीसी रेट वहां का है वो 80 लाख है और किसान को वहां के 50 लाख मिला, और जो सड़क से पिछली जमीन है उसका मात्र 23 लाख। यानी आपका कहना है किसान के हाथ फिलहाल सिर्फ निराशा लग रही है, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा हो या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का मुद्दा हो या फिर मुआवजा देने की बात हो। मामले पर आपका कहना है कि सिर्फ राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी फिलहाल अत्री साहब रुकना चाहूंगी, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपका जवाब लेंगे, आपका जवाब जरूर लेंगे, फौरन हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।